अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। तो अभी जी सुबह सुबह का टाइम है और मैं बैठा हूँ दादाजान के साथ, और अभी दादाजान की तबीयत ठीक नहीं है तो इसकी अभी हमने दवाई भी लेनी है। तो दवाई तो मैं बाद में लूँगा, लेकिन उससे पहले दादाजान की जो घर की सफाई है, आप इनका ज़रा अच्छा चेक करें इनके घर का। अभी दादाजान के घर की सफाई करने वाला हूँ मैं, क्योंकि अभी घर में कोई नहीं है सुबह सुबह, तो मैं अभी घर की सफाई करूँगा। तो फिर जाऊंगा दादाजान की कोई दवाई वगैरह लेने डॉक्टर के पास। माँ खड़ी मैं मन खड़ी खड़ी है अभी जी मैंने घर की सफाई कर ली है। दादी जान के घर की जो फ्रंट था वो मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है, और अभी हम जाएंगे दवाई लेने साथ वाली शॉप से, जो कि हमारे यहाँ पे है। अभी डॉक्टर तो नहीं आया होगा, कोई आएगा कोई 10 बजे तक, तो हम जाएंगे दवाई लेने। तो दादी जान की तबीयत कोई रात को ख़राब हो गई थी, बुखार हो गया था, तो बस अभी चलेंगे हम डॉक्टर के पास दवाई लेने। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एक हमारे भाई हैं जिनके चैनल का नाम है फूड फैशन बाय मोहब, तो आपने लाजमी से उनको जाके सब्सक्राइब कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा जी, तो अब शाम हो गई और अब दादी जान की तबीयत जो है पहले से बेहतर है। हम दवाई भी ले आए थे उनकी, तो अब माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर फील कर रही हैं। तो अभी जी शाम का टाइम है और अभी जी मैं जाऊँगा सब्ज़ी लेने करीबी मार्केट से, तो क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है जिसकी वजह से फिर बारिश या आंधी कुछ भी आ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर खाना पकाते वक्त कुछ आ जाए या आंधी वगैरह तो उसमें सारी मिट्टी चली जाती है। तो आपको पता है कि गांव का सिस्टम है, सब जगह रेती रेत होती है। तो मैं भी जाकर ले आता हूँ सब्ज़ी, फिर उसके बाद मिलते हैं। आज मैं लाया हूँ भिंडी, और अभी जी बाहर मौसम भी ख़राब है तो हमने जल्दी जल्दी धोकर रख दी और साथ में पंखा चला दिया ताकि ये जल्दी सूख जाएं और हम इन्हें जल्दी बना सकें, क्योंकि बाहर मौसम काफ़ी ख़राब है। आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे 15,000 सब्सक्राइबर जो हैं वो कम्प्लीट हो चुके हैं। तो ये जो 15,000 वाला फिगर है ये मेरे लिए, यकीन करें कि मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह ताला ने जितनी भी इज़्ज़त बख्शी है, मैं उस चीज़ के काबिल तो नहीं था, लेकिन जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो बहुत कम है। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जो भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो सबका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया सबका, और ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहें और मैं डेली बेसिस पर ऐसे ही व्लॉग, ऐसे मज़ेदार किस्म के व्लॉग आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो जैसे मैंने आज घर वालों को बताया तो घर वाले भी यकीन नहीं कर रहे थे। तो मेरे जो दोस्त हैं और मेरे जो घर वाले हैं वो यकीन नहीं कर रहे कि तुम मतलब इतनी जल्दी ग्रो कर रहे हो, और कल से मुझे मतलब नहीं कोई 10 कॉलियाँ आ चुकी हैं, मतलब जिन लोगों से मेरा कॉन्टेक्ट भी नहीं था, मतलब जो लोग मुझसे बात भी नहीं करना चाहते थे पहले, लेकिन वो मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि आप तो माशाल्लाह ग्रो कर रहे हो। तो जब मैंने सोचा कि जब बंदे के पास कुछ नहीं होता ना तो लोग दूर से मतलब सलाम करते हैं, और जब इंसान के पास मतलब थोड़ी बहुत इज़्ज़त आ जाती है तो
बंदे पता नहीं क्यों साथ चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई फ़ख्र नहीं है इस बात पर, जो भी मुझसे बात करना चाहे मेरा भाई है, तो मेरे दिल में किसी के लिए कोई भी जो है वो कोई भी गिला या शिकवा नहीं है। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, लोग भी अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। तो ये तो डिपेंड करता है कि कौन किस नियत से काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है और मैं इसको बरकरार रखूँगा। सो थैंक यू अगेन आप लोगों का, आपने मुझे सपोर्ट किया। तो अभी जी काफ़ी शाम हो चुकी है और दादा जान यहाँ पर घास काट रही हैं अपना, यहाँ पर देख सकते हैं पीछे। तो आज बारिश का मौसम बना हुआ है, शायद रात को बारिश आ जाए इंशाल्लाह। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही था, उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे कर इंशाल्लाह एक नए ताज़ा फ्रेश व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह निगहबान।